हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है और आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ, जिस कहानी का नाम है तोतों की संगत। एक बरगद के पेड़ पर दो तोतों ने अपना घोंसला बनाया था। माता तोते ने घोंसले में दो अंडे दिए, जिनमें से दो चूजे निकले। उनके माता पिता दोनों बच्चों की अच्छे से देखभाल की। कुछ ही समय बाद उन बच्चों ने भी थोड़ा उड़ना सीखा लिया। एक दिन पिता तोते ने कहा कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल की है, हमने उन्हें खेलना, खाना, उड़ना भी सिखा दिया। अब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हर रोज की तरह सुबह दोनों तोता अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गए और फिर शाम को भोजन लेके लौटे। एक दिन एक शिकारी ने सोचा कि दोनों माता पिता तोतों के जाने के बाद हम उनके बच्चों को उठा लेंगे। अगले ही दिन जब दोनों तोता भोजन लेने चले गए तो शिकारी ने अपनी योजना के मुताबिक दोनों बच्चों को पकड़ लिया। शिकारी के जाल में फंस जाने के बाद दोनों बच्चों ने अपनी पूरी कोशिश की उसके जाल से छूटने के लिए। केवल एक बच्चा ही शिकारी के जाल से छूटकर भाग गया और एक को शिकारी अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। शिकारी ने घर आकर अपने बच्चों को बताया कि उसने दो तोतों के बच्चे पकड़े थे, लेकिन उसमें एक छूटकर भाग गया। उसने एक तोता अपने बच्चों को खेलने के लिए दिया। शिकारी का बच्चा तोतों के साथ खेलते हैं। कुछ ही दिनों में तोता शिकारी के घर पर रहने लगा और कुछ शब्द बोलना सीख गया। दूसरा तोता जो शिकारी के जाल से बच निकला था, वह उड़ते ही एक आश्रम जा पहुंचा। कुछ अच्छे आदमी आश्रम में रहा करते थे, उन्होंने उस तोते को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वह तोता वहीं रहने लगा और उन लोगों की बात सुन सुन कर बोलने लगा। एक दिन एक यात्री शिकारी के झोपड़ी के पास से होकर जा रहा था। वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह शिकारी के झोपड़ी के पास आराम करने के लिए बैठ गया। शिकारी के घर पर रहने वाला तोता ने उस यात्री से कहा कि मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। इस तरह के शब्द सुन यात्री की बहुत बुरा लगा। वह तुरंत वहां से उठ गया और चला गया। फिर वह कुछ समय बाद चलते चलते आश्रम पहुंचा। वहां आश्रम के पेड़ पर बैठा तोते ने यात्री से कहा कि यात्री, इस आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे आश्रम के पास वाले जंगल में खाने के लिए बहुत अच्छे और मीठे फल हैं। यात्री हैरान था, उसने तोते से कहा, मैं एक शिकारी के झोपड़ी के पास रुका था, वहाँ मेरी एक तोते से मुलाकात हुई, उसने मुझे बहुत बुरी तरह बात की, इसलिए मैं वहाँ से तुरंत ही चल पड़ा। अब मैं तुमसे मिला हूँ, तुम बहुत अच्छी तरह बात करते हो, आखिर वह भी पक्षी है और तुम भी, फिर भी तुम दोनों के बोलने का तरीका अलग है। यह बात सुनकर आश्रम के तोते ने अंदाजा लगा लिया कि यात्री जिस तोते की बात कर रहा है वह मेरा भाई ही होगा, जो कि शिकारी के जाल में फंसा रह गया था। तब उस तोते ने यात्री को बताया कि दूसरा तोता मेरा भाई है, पर उसे शिकारी ने पकड़ लिया और शिकारी ने अपनी भाषा सिखा दी, लेकिन मैं उड़कर आश्रम में आ गया और मैंने अच्छे लोगों की बात सुनी और सीखी गया। दोस्तों, यही कारण है कि अच्छी संगत में रहने वाले लोग अच्छे होते हैं और बुरे संगत में रहने वाले लोग बुरे होते हैं। हम अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ बनाना चाहिए।